अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? समझ गए, सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नगीनास पकेट। तो जो है ना, ये मैं अपना ना नेल पॉलिश कलेक्शन आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। मैं इसको एक जैसा कर रही थी तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपके साथ भी कलेक्शन शेयर करूँ अपना। मेरा जो छोटू है ना, वो बहुत तबाही मचाता है, वो मेरी ना चीज़ों की बस अखीर कर देता है। तो मैं फिर ये इसको कर रही थी, ठीक कर रही थी, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी अपने कलेक्शन शेयर करती हूँ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले। और भी बहुत मजे मजे की वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप चाहें तो उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। और प्लीज़ 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 गाइड एंड इंड योर सपोर्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो भैया, प्लीज़, थैंक यू सो मच। चले अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपके साथ ना अपने ग्लिटर वाले नेल पेंट शेयर करती हूँ, ठीक है? ये मैंने ना, अच्छा मैंने स्पेसिफिक कंपनी के नहीं लिए हुए, जो मुझे जहाँ जो शेड अच्छा लगता है मैं पिक कर लेती हूँ। तो ये जो है ना, ये है एक लोकल ब्रांड है और ये गोल्डन ग्लिटर है। इसमें ना ग्लिटर इज लव, आपको पता है ग्लिटर का तो आजकल वैसे बहुत फैशन है और थोड़ा बहुत स्पार्कल तो होना ही चाहिए। मैं इसका आपको लगा के दिखा, और वैसे भी एक जो है ना इस तरह का स्किन स्किन और गोल्डन गोल्डन जो ग्लिटर है वो आपके कलेक्शन में होना ही चाहिए, क्योंकि वो हर ड्रेस के साथ ऑलमोस्ट चल जाता है। अच्छा अब ये जो है ना, ये बहुत ही रिच और अच्छी क्वालिटी के ग्लिटर्स हैं। ये ना सेपरेट भी लगाए जा सकते हैं, ये देखिए, और किसी नेल पेंट के साथ भी, किसी डार्क नेल पेंट के साथ तो और अच्छे लगते हैं बट सेपरेट भी प्यारे लगते हैं। ये देखिए, ये है, इसको मैं यहाँ पे ना साइड पे कर देती हूँ। और ये बहुत ही प्यारा ब्लैक है ग्लिटर के साथ, और इसी वजह से ना मैंने ये नेल पेंट्स की वीडियो बनानी थी। ये तो बहुत प्यारी है, मैं ऐसे लगाती हूँ, बहुत औसम। अच्छा देखने में ब्लैक लगता है पर बहुत डार्क वाला ब्लैक नहीं है, हल्का हल्का ना ब्राउनिश और मतलब ग्रीनिश ब्लैक जो होता है शेड बीच में, हल्का हल्का ना ग्रीन का भी कभी कभी लगता है मुझे, हल्का हल्का ब्राउनिश भी लगता है। ये एक से दो कोट करती हूँ तो फिर बहुत अच्छा सा हो जाता है। ये देखिए बहुत ही प्रिटी है, ये आपने मेरी वीडियोस में देखा भी होगा लगाया हुआ कभी, बहुत प्यारा ये लगता है। मेरा कैमरा फोकस नहीं करा मैं, ये देखिए अब आपको ठीक से नज़र आ रहा होगा ये। और इनकी इसकी भी कॉस्ट, इसकी कॉस्ट होगी 150 रुपीज़, और इसकी भी सेम इतनी ही थी, ये ऑलमोस्ट इतनी की ही हैं। और जो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी मैं वो भी आपके साथ, आपको साथ साथ मैं कीमत जो है वो मेंशन कर दूंगी, बता दूंगी, ठीक है? अच्छा ये भी लोकल ब्रांड है बीजी, मगर इसके जो है ना बहुत अच्छे ग्लिटर्स हैं, ये बहुत अच्छे इसके, आई लव ग्लिटर। मुझे पिछले दिनों तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन हो गया था ग्लिटर्स नेल पेंट्स का। ये देखिए कितनी प्यारी, उफ़ हसीन, बहुत ही प्यारा सिंगल लगाया हुआ ना बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैंने इसको किसी ना नेल पेंट के साथ नहीं लगाया, मैंने इसको एज इट इज अप्लाई किया है, बहुत अच्छा। ये देखें, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, बहुत हसीन। कैमरा जो है ना वो इसके साथ जस्टिस नहीं कर रहा बट ये बहुत हसीन लग रहा है, एक्चुअल में बहुत प्यारा लग रहा है। सिंपल हम इस सिंपल भी मैं इसको, ये देखें इसको लगाऊंगी तो ये बहुत प्रिटी लगेगा। और इसकी जो शाइन है ना, इसमें बड़े बड़े स्पार्कल्स नहीं है पर बहुत छोटे से स्पार्कल्स हैं, बहुत प्यारा ये। और मेरे पास ये जेनी के जो ग्लिटर्स है ना, ये बहुत अच्छे हैं, इसको मैं पहले अच्छे से शेक कर लूँ। अच्छा अब जो ये है ना, ये बिल्कुल है, आपने काशी के नेल पेंट्स देखे होंगे आपने, बहुत एक्सपेंसिव है वो। तो ये जो है ना, ये सेम टू सेम उनकी जो है ना ड्यूप्स हैं, जेनी के ग्लिटर्स, जेनी के ग्लिटर नेल पेंट्स बहुत औसम है गाइस। इसको एज इट इज लगते हैं ये किसी नेल पेंट के साथ नहीं लगते, और इनको एक कोट और इनको दूसरा कोट, दो से तीन कोट आप करेंगे तो बहुत प्यारा शेड आता है, बहुत ही औसम, बहुत प्रिटी। ये ना मेरी एप्लीकेशन इस टाइम ना अच्छी नहीं हो रही क्योंकि मैं बाहर बैठ के वीडियो बना रही हूँ और स्वाद में बहुत ठंड हो गई भाई साहब, बहुत ज़्यादा। अभी ये एक शेड है ना, मैं आपको थोड़ा सा इसको, अभी ये एक कोट है, इसके ऊपर जब दूसरा कोट होगा तो फिर ये बहुत आउटस्टैंडिंग लगते हैं, ये बहुत प्यारे लगते हैं। इसमें मेरे पास काफ़ी शेड है, एक ये है ये ग्रीन वाला शेड, अच्छा ये बहुत तबाही शेड है ग्रीन वाला ना, इसका नंबर है 503। अगर आप लेना चाहें तो ये वाला शेड लाजमी लें, इससे हाथ इतने को प्यारे और ना फेयर लगते हैं हैंड।
इससे ना अच्छे से शेक नेल पेंट को कर लें और फिर उसके बाद अप्लाई करें। अच्छा, इससे जो है ना, इससे हाथ बहुत फेयर लगता है, कलर बहुत, हाथ बहुत प्यारा लगता है। मैं ये भी आपको इसका एक जो करके दिखाती हूँ, ये इसके जेनिन्स के जो ग्लिटर्स है ना, बहुत तबाही है, बहुत तबाही है। और ये जो छोटे वाले, ये छोटी वाली है इसकी पैकिंग पैकिंग, और ये आपको ना 150 की, मैं इसको अच्छे तरह से काफ़ी, क्योंकि सर्दियाँ आ गई ना तो मैं ज़्यादा डार्क कलर्स अप्लाई करती हूँ। सर्दियों में डार्क कलर्स बहुत लवली लगते हैं। जो ग्लिटर्स है ना, मैंने समर्स में बहुत ज़्यादा ग्लिटरी थी मैं, और अब मैं थोड़ा सा ना डार्क शेड्स पे हो गई हूँ, तो इस वजह से ना इनको थोड़ा मुझे अच्छा। ये जो है ना, ये देखें, इससे बहुत कलर फेयर लगता है। आप चाहे ना कोई ग्लिटर लेना तो जेनी के ग्लिटर ज़रूर लें। इसमें मेरे पास काफ़ी शेड्स हैं, एक ये है, ये दो तो मैंने आपको दिखा दी हैं, और भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरे पास शेड है ये, और एक ये वाला शेड, ये भी बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये थोड़ी सी बड़ी इसकी पैकिंग है, तो ये मुझे 250 की मिली थी, और ये छोटी वाली जो पैकिंग है ये 150 की, बट इसके जाने के ग्लिटर्स आउटस्टैंडिंग है। ये भी कलर बहुत अच्छा लगता है ये सब। और ये है कि इनकी खास बात ये कि जब मैं इनको अप्लाई करती हूँ ना, हाथ बहुत अच्छे और फेयर लगते हैं। इसमें सेम मेरे पास एक रेड भी है, मगर वो इस टाइम पे ना मुझे मिल नहीं रहा है इंशाल्लाह ताला। मैं फिर उसको भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी नेक्स्ट। और अभी पहले ग्लिटर्स ही देखते हैं हम। एक ये भी ग्लिटर है मेरे पास, पिंक ग्लिटर, ये भी ना टॉपिंग के लिए नेल्स की, पेंट्स की, बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वाले ग्लिटर्स, ये देखें, ये भी जो थे ना, ये मैंने लाहौर से बाय किए थे, ठीक है, ये मैंने लाहौर से बाय किए थे सीआर के, ये भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इनकी प्राइस थी 250 रुपीज़, बट ये भी बहुत अच्छी, और ये भी सेम जो है ना, इनका नंबर है 24 और 12। ये ब्राउन कलर में है, ब्राउनिश गोल्डन कलर, और ये पिंकिश पर्पलिश मिक्स कलर लगता है, बट बहुत प्यारी। ये भी इनकी भी कवरेज सेम ऐसी ही आती है लगा के, ये भी एज इट इज लगते हैं। टॉपिंग मतलब आप इसको दूसरे नेल पेंट के ऊपर टॉपिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट सेपरेट भी बहुत अच्छे और बहुत अच्छे अप्लाई होते हैं। ये जो मैंने अभी आपको ये सीआर के ग्लिटर्स और जो जेनी के ग्लिटर्स दिखाए हैं, ये बिल्कुल काशी के जो नेल पेंट्स हैं, ये उनकी टक्कर के ग्लिटर्स हैं। आपने उनका अगर देखा होगा ना, तो आपको अंदाजा होगा कि ये बहुत अच्छे जो है ना अप्लाई होते हैं। हमें इतने एक्सपेंसिव लेने की ज़रूरत नहीं है। काशिद ने तो भी हर चीज़ की बहुत ज़्यादा प्राइस कर दी। अच्छा, एक ये यूनिक सा कलर है मेरे पास, थोड़ा सा ब्लूइश टाइप, और ये भी मुझे उम्मीद नहीं थी, बट ये कि जब थोड़े से लॉन्ग नेल्स हो ना, थोड़े से लंबे नेल्स पे बहुत प्यारा ये भी लगता है। ये मीनिसो की है, ठीक है, ये मुझे किसी ने गिफ्ट ही दी थी, ये मीनिसो की है। ये अब मेरे पास एक ब्लैक है, ये भी ग्लिटर ब्लैक है। अच्छा, अब एक ये भी ग्लिटर वाली है, ये ब्लैक ग्लिटरी है, मगर इसमें बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं ग्लिटर के ना, ठीक है। ये भी मैं आपको इसकी एक कोट करके दिखाती हूँ। इसमें बहुत, जैसे पहले मैंने एक दिखाया ना ब्लैक, उसमें तो मोटे पार्टिकल्स हैं ना, इसमें बहुत बारीक पार्टिकल्स हैं ग्लिटर के, और ये भी बहुत औसम और बहुत प्यारा लगता है लगाया हुआ ना, बट वो थोड़ा सा ड्रामेटिक में आता है, और ये थोड़ा सा सटल में आ जाता है ना। ये देखिए, बिल्कुल शाइनी, बिल्कुल लिटिल पार्टिकल्स हैं इसमें ग्लिटर के, बट बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, ये भी बहुत प्यारा लगता है लगाया हुआ। अब ग्लिटर वाइज तो काफी कवर हो गया, अब मैं शाइनी में दिखाना चाहूंगी आपको। ये भी मेरे पास मेडोरा की है, ये अब थोड़ी सी ना जैसे शीन वाली होती है, ये वो नेल पेंट्स हैं जिनको शिमर नेल पेंट्स भी आप कह सकते हैं, जैसे शिमर आई शेड होते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है लगाया हुआ, और ये आ जाता है पीची टोन में आ जाता है। ये मेहंदी वगैरह लगाई ना उसके साथ बहुत प्यारा ये भी शेड लगता है, और ये पर्पल, ये भी बहुत अच्छा लगता है लगाया हुआ। ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, 9 to 5 की भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की नेल पेंट्स हैं, और मेडोरा का तो हमें पता ही है। देखिए, ये भी बहुत प्यारे शेड है। अब इनके मैं आपको स्वॉच नहीं दिखा रही, स्वॉच में अब आगे ना आपको दिखाऊंगी डार्क नेल पेंट्स के। अच्छा, ये भी बहुत प्यारा है, ये भी ग्लिटर है, ये आप एज इट इज़ भी लगा सकते हैं। ये इसका भी जो है ना लुक जो है इस वाले नेल पेंट की तरह आती है, इसको आप एज इट इज भी लगा सकते हैं, बट मैं इसको ज़्यादातर यूज़ करती हूँ अपनी मैट नेल पेंट्स के साथ ना। मैट नेल पेंट लगा के एक के ऊपर मैं ये लगाती हूँ, एक को मैं एज इट इज छोड़ देती हूँ, बहुत प्यारा लगता है उसके साथ ये। ये ग्लिटर भी है और नेल पेंट भी, आप इसको दोनों टॉपिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और सेपरेट भी यूज़ करते हैं। ये तो मैं, ये भी ब्लू ग्लिटर है, ये तो मैं आपको पहले दिखा ही चुकी हूँ। अच्छा, अब हम चलते हैं इस तरफ। अच्छा, ये कुछ अब मेरे पास ये मैट नेल पेंट है, ठीक है, ये प्रिटी का, ये मैंने मंगवाया था
वेगास.पीके से ये तीन नेल पेंट जो है मैंने वहीं से ही मंगवाए थे। ये पर्पल शेड है, ये बहुत ही प्यारा डार्क जो बरगंडी शेड है वो है, बहुत कम ऐसे शेड मिलते हैं, परफेक्ट शेड मिलते हैं, तो इससे भी मुझे ये वेगास पे मिले और अच्छी ऑफ लगी हुई थी तो फिर मैंने बाय कर लिए। और ये है, ये मैट है। अच्छा, अब इसमें ना हल्का सा शिमर भी है, बट अप्लाई करने के बाद शिमर भी रहता है, बहुत मैट, बहुत अच्छा सा ना मैट हो जाता है, बहुत प्यारा ये भी शेड। इसका मैं ना आपको एक स्वॉच दिखाती हूँ, ये तो पर्पल है, ये भी बहुत अच्छा लगता है लगाया हुआ, और ये भी बहुत अच्छी, ये तो परफेक्ट एक बरगंडी और मजेंडा जो शेड होता है ना, ये वो शेड है, बहुत प्यारा लगता है लगाया हुआ। अच्छा, मेरे ना नेल पेंट थोड़ा गीला गीला ना तो हाथों में मैस ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे करी, इस वजह से भी ना जो मेरी है वो नेल जो है ना पॉलिशेस वो गिर रही है, भाई इसको इग्नोर मारिएगा। ये ठीक है, अब मैंने इसको लगाया है ना, तो ये थोड़ी देर बाद इसमें शाइन रहेगी, जो इसका अपना ग्लिटर का पार्टिकल है वो रहेगा, बट ये मैट हो जाएगा, बहुत प्यारा। और हाथों पे ना ये वीडी शाइन पे भी बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लुक आता है। अच्छा, ये क्रिस्टिन की भी है, ये भी मैट नेल पेंट है, ये भी ना मजेंडा मजेंडा थोड़ा सा, मतलब खुला हुआ मजेंडा कलर है, वो थोड़ा सा डार्क और दबा हुआ मजेंडा कलर है, वो भी बहुत प्यारा लगता है, ये भी बहुत प्यारा लगता है मैट में। ये एक डार्क पर्पल है मेरे पास। अच्छा, विंटर्स में ना मैं ज़्यादातर जो है ना डार्क नेल पेंट्स लगाती हूँ, विंटर में डार्क नेल पेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। ये टॉपर्स है मेरे पास, ठीक है, ये भी 9 to 5 का नेल पेंट टॉपर है, ये भी बहुत अच्छा लगता है। और एक ये मेरे पास कलर स्टूडियो का टॉप कोट है, ये भी बहुत अच्छा है और लॉन्ग लास्टिंग रहती है, इससे नेल पेंट ना बहुत ही अच्छा है। और एक ये मेरे पास ना डॉट्स वाला टॉप कोट है, ये बहुत प्यारा लगता है। मैं इसको ना, मेरे पास ये ग्रे नेल पेंट है, मैं इसके साथ मोस्टली इसको यूज़ करती हूँ, नीचे ये लगाती हूँ, ऊपर ये लगाती हूँ, बहुत ही अच्छा सा ना जो है मेरा नेल पेंट बन जाता है। अच्छा, ये डेफी की नेल पेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, 3D नेल पेंट्स हैं, इनका कलर पे ऑफ बहुत आउटस्टैंडिंग है। ये लाहौर से मेरी मम्मा ने मुझे गिफ्ट भेजा था, दो थी ये, एक ये थी एक ये थी, इनका ना कलर पे ऑफ बहुत, और ये भी बहुत ही परफेक्ट जो है ना मतलब पिंक शेड है, जो कि हमारे हाथों पे भी लगा हुआ पे ना बहुत प्यारा और हाथ फेयर लगते हैं, ये वो वाला पिंक शेड है। ये दोनों मेरी मामा ने ना लाहौर से भेजे थे, गिफ्ट भेजा था उन्होंने, एज अ गिफ्ट भेजा था। और ये जो है ना जार भी, इसका मतलब जो पैकिंग है वो भी काफ़ी ह्यूज है, और इसमें प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छा है, इनका कलर पे ऑफ बहुत आउटस्टैंडिंग है। इंशाल्लाह ताला मैं लाहौर अब जब भी जाऊँगी ना, मैं इस ब्रांड की ढूंढूंगी, मुझे और नेल पेंट्स मिले तो मैं इंशाल्लाह ताला वो भी बाय करूंगी, बहुत अच्छा ये भी कलर है। ये मैं आपको एक लगा के भी दिखाऊंगी। अच्छा, अब साथ ही मैं आपको ये दिखाऊंगी, देखिए थोड़ा थोड़ा यहाँ से ना सूख रहा है, मैट हो रहा है, ये कैमरा मेरा ना अभी फोकस नहीं कर रहा क्योंकि नेल जो है ना वो ऊपर से गीला है ज़्यादा, ठीक है, ये साइडों से सूख रहा है बट मैट ही है, जो उसके अपने ग्लिटर पार्टिकल्स है ना उसकी वजह से इसमें शाइन आ रही है, वैसे ये मैट हो चुका है। अच्छा, अब ये जो है ना बहुत ही प्यारा, और ये मेरे से अक्सर लोगों ने मांगा भी ये कलर, बट मैंने बोला नहीं, ये तो मैं नहीं देने वाली, मुझे बहुत पसंद है ये वाला शेड। और मैं मोस्टली जो है ना, बल्कि शायद मैंने किसी वीडियो में भी ये लगाया हो, मुझे बहुत पसंद है ये कलर। कैमरा जो होता है ना वो लाइटिंग की वजह से थोड़ा वो जो है ना फेयर नहीं करता कलर के पे ऑफ के साथ, बट जो मैं कलर्स वही लगाती हूँ जो मुझे दिल को छू जाते हैं कलर बिल्कुल। ये देखें, कुछ सर्दियों की वजह से भी ना हाथ भी थोड़े से ना हुए हुए हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ठंड, ये देखें बहुत प्यारा, ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन पे बहुत अच्छा ये वाला कलर लगता है। और ये भी सर्दियों में मैं ज़्यादा ना इस तरह के जो नेल पेंट्स हैं लगाना पसंद करती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ग्लिटर को मैं कम लगाती हूँ, बट अभी मैंने ग्लिटर नेल पेंट्स ट्राई किया ना तो मेरा दिल हो रहा है कि मैं कोई, अच्छा ये अब रेड है, ये भी परफेक्ट रही है स्टूडेंट की नेल पेंट्स, स्टूडेंट की नेल पेंट्स भी हम सबको पता है इतनी रीजनेबल प्राइस में 100 या 150 तक मिल जाती है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी, स्टूडेंट्स की भी। ये मैट में है, ये रेड है, और एक और है मेरे पास, ये ब्राउन है रेड। अच्छा, इसके साथ ना मैं इसको यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा कॉम्बो हो जाता है इन दोनों का, बहुत ही ये ना सही वाला रेड कलर है बट मैट में बहुत प्यारा लगता है लगा के। मैं इसका भी आपको एक स्वॉच दिखाती हूँ, जो नेल पेंट्स है ना वो नेल पॉलिश ना मेरी गीली है इसलिए थोड़ा सा ना मुझे मेहनत करनी पड़ी है खोलने में। तो ये जो है ना ये बहुत ही प्यारा चॉकलेटी ब्राउन कलर है, और इस वो ग्लिटर के साथ बहुत आउटस्टैंडिंग लगता है। मैं इसकी एक कोट करती हूँ। अच्छा, अब मेरे से ना इग्नोर कीजिएगा मेरी एप्लीकेशन को क्योंकि मैं उल्टे हाथ से लगा रही हूँ, तो इतने जो परफेक्ट स्मूथ आपको नहीं लग रही होगी, बट प्लीज सॉरी।
अच्छा, अब इसके साथ उसको जब मैं, ये देखे ना कितना प्यारा परफेक्ट ब्राउन कलर है, चॉकलेटी ब्राउन बिल्कुल कलर है, और इसके साथ जो है ना वो बहुत अच्छा वो वाला ग्लिटर लगता है, बहुत प्यारा लगता है ग्लिटर। एज आई से बिफोर, मैं गर्म सर्दियों में, विंटर्स में मैं ज़्यादा डार्क नेल पेंट्स। अच्छा ये भी एक ग्लिटर है, ये भी बहुत प्यारा ग्लिटर है, ये भी ब्लैक, जैसे ये ब्लैक दिखा ना सेम वैसे ये शॉकिंग में। और एक और कलर जो मैंने रिसेंटली बाय किया है ये है मेहरून, ये मरून कलर है बट ग्लिटर के साथ, और उफ कयामत शेड लगता है ये लग के, बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा, बहुत ज़्यादा ग्लिटर। ऐसा नहीं है कि आपकी बिल्कुल ही लगे आंखों में, बट बहुत प्यारा शेड है ये। अभी आपको देखने में रेड लग रहा है बट आप एक से दूसरा जब इसका कोट करेंगे तो डार्क हो जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा शेड है, ये भी थोड़ा थोड़ा ना रेड लग रहा है जब ये इस पर दूसरा कोट होगा। अभी तो ये गीला है तो इस वजह से मैं नहीं कर सकूंगी, मगर जब इस पर दूसरा कोट होता है तो यही शेड आ जाता है ये वाला। दो से तीन कोट होते हैं, बल्कि नहीं, दूसरे कोट में काफ़ी अच्छी इसकी कवरेज हो जाती है। पहले कवरेज थोड़ी सी लाइट लगती है बट दूसरे में कवरेज काफ़ी अच्छी हो जाती है। मैंने आपको ये भी दिखा दिया, ये मेरे पास ग्रे भी है, ये भी शाइन में, ये बहुत प्यारा ये भी लगाया हुआ लगता है। स्टूडेंट की नेल पॉलिश भी बहुत रिजनेबल है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये पिंक बहुत अच्छा लगता है, वीटी शार्टों हाथों पर लगाया हुआ बहुत प्यारा लगता है। मैं जो है ना, यस मेरे पास सब वही नेल पेंट्स हैं जो कि नॉर्मल मतलब लगाए हुए हैं, भी मुझे क्वालिटी अच्छा। ये है एक परफेक्ट न्यूड शेड जो कि आपके पास होना चाहिए स्टूडेंट का। इसका मैं कलर भी नंबर आपको बताती हूँ, हाँ 082। ये एक परफेक्ट परफेक्ट न्यूड शेड है जो कि हम सबके पास जो है ना एक लाजमी होना चाहिए। बहुत प्यारा लगता है हाथों पे लगाया हुआ, बहुत ही आउटस्टैंडिंग और ग्लैमरस, और एक क्लासी सी लुक आती है इससे, बहुत अच्छा परफेक्ट शेड है ये। और एक मेरे पास ये भी न्यूड शेड है, ये भी है 42। ये दोनों ही जो शेड है ना, अगर आप ज़्यादा लाउड नेल पेंट्स नहीं पसंद करते तो ये जो दो शेड है ना आप इनका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, 082 और 43। ठीक है, ये दोनों नेल पेंट इतने को क्लासी लगते हैं ना लगाए, बहुत अच्छे लगते हैं, डिसेंट भी और क्लासी भी, बहुत ज़बरदस्त शेड हैं ये। एक तो रेगुलर में, या अगर आपको ज़्यादा लाउड नहीं नेल पेंट चाहिए तो ये बेस्ट रहे, बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, बेस्ट। क्योंकि और आई थिंक के सारे कवर अप हो गए हैं शेड जो हैं नेल पेंट्स के। ये भी एक ब्राउन शेड है, ये भी बहुत अच्छा लगता है लगाया हुआ हाथों पे, ठीक है। अच्छा अब विंटर्स में जो है ना वो डार्क कलर ज़्यादा। अच्छा अब ये मैं पहले आपको ये दिखाऊँ, ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुका है इस टाइम, ठीक है, ये बिल्कुल मैट है। ये ना कैमरा क्यों नहीं इतना फोकस कर रहा इसको, बाकी पीछे थोड़ा सा ये देखिए ये मैट हो चुका है, बट इसमें अपने ग्लिटर पार्टिकल्स है ना ये उनकी शाइन, और बहुत क्लासी लगता है ये लगाया हुआ, बहुत क्लासी लगता है लगाया हुआ। विंटर्स में जो है ना डार्क कलर्स ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ लगाना, और प्यारे भी ज़्यादा विंटर्स में डार्क कलर्स लगते हैं, क्योंकि विंटर्स में ना हाथ जो होते हैं थोड़े थोड़े काम वगैरह करते हैं और सब कुछ, उसमें ना हाथ थोड़े से डार्क हो जाते हैं सर्दियों की नस्बत, क्योंकि ठंडा पानी होता है ना उसमें करते हैं हम, तो हाथ थोड़े से ना हो जाते हैं ख़राब, तो उन पे ना फिर डार्क कलर्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं दूसरे कलर्स की नस्बत, और उनकी वजह से ना हाथ भी थोड़े से साफ लगने लग जाते हैं, ठीक है। ये देखिए ये बहुत प्यारा शेड है, बहुत प्यारा ब्राउन शेड है, बहुत ही आउट क्लास। विंटर्स में ज़्यादा मैं ये वाले शेड प्रेफर करती हूँ, और समर्स में ज़्यादा ग्लिटरी शेड प्रेफर करती हूँ, बट जब मैंने अब लगाया ना सबके सब तो मेरा फिर से दिल करे कि मेरे को प्यारी सी ग्लिटर नेल पेंट जो है ना, वीडियो के ख़त्म होते मैं सबसे पहले कोई अच्छी सी नेल पेंट लगाने वाली हूँ भाई। तो ये था मेरा कलेक्शन, उम्मीद है कि आपको मेरे नेल पेंट्स पसंद आए होंगे, मेरा कलेक्शन अच्छा लगा होगा, मेरी जो कुछ जो नेल पॉलिश को लेकर एडवाइसेस भी थी वो भी अच्छी लगी होंगी। और एक ये तो मैं दिखाना भूलगी, एक वाइट जो है ना वो आपके कलेक्शन में मस्ट है, क्योंकि फ्रेंच नेल बनाने में काफ़ी ये जो है ना हेल्प करती है, ये भी है भाई मेरे पास। तो मेरी जो टिप्स हैं नेल पेंट की वो भी आपको जो पसंद आई होंगी, और मेरी जो नेल पेंट कलेक्शन है वो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके भी कोई अच्छा सा शेड है ऐसा जो कि आप को लगे कि मेरे पास होना चाहिए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि नेल पॉलिश मैं फ्री को, मुझे कोई कलर अच्छा लगता है तो मैं ले लेती हूँ। मैं नेल पॉलिश का मैं एक से दो बार नहीं सोचती, बस एट द पॉइंट मुझे अच्छा लगा मैंने ले लिया, दैट्स इट। मुझे बहुत इसका ना क्रेज़ है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला।
तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ भाई साहब, प्लीज़ 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 मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है कि आपको जो है आगे भी और अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।